जी अस्सलाम वालेकुम। फिर एक इवेंट आ गया, लेकिन आया इस्लामाबाद में, पर वजह सुन लो। ये इवेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है फॉर एक्नॉलेजिंग आईटी सर्विसेज एंड एक्सीलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स, वो लोग जिन्होंने आईटी की प्रमोशन में पाकिस्तान में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, उन लोगों की एक्नॉलेजमेंट में। और इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। 21 फरवरी, जो कि 2-1 हफ्ते बाद है, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपने मुझसे सीखा है, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपने फाइवर, अपवर्क, गुरु.com, freelancer.com, या एज अ यूट्यूबर या एज अ ब्लॉगर अपना लोहा मनवाया है, आपने पैसे कमाए हैं, तो हम चाहते हैं कि अब एक फॉर्म है उसको आप फिल करें, जिसकी तफसील जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। अपना नाम बताओ, अपना CNIC लाजमी देना, इसकी वजह बताता हूँ CNIC की, अपना फ़ोन नंबर और जो कमेंट सेक्शन है उसको पूरा भरना। एक एक फील्ड मैंडेटरी है। CNIC इसलिए कि उस इवेंट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब आ रहे हैं और वो ख़ताब भी करेंगे। और इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री कि एक प्राइम मिनिस्टर IT की सर्विसेज को एक्नॉलेज कर रहा है। ये इवेंट जो कंडक्ट करवा रहे हैं ये सेनेटर ओन अब्बास साहब, जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के फॉर ई कॉमर्स, हसलर, मैं इनको 2 दफ़ा मिला हूँ और मैं इतना इम्प्रेस हूँ इस इंसान के, इस बंदे के विजडम से और इसकी एफर्ट से। अल्लाह करे कि कुछ इनके दौरे हुकूमत में जो ये इम्पेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रिएट हो जाए। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है कोई नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको हम एक्नॉलेज करेंगे। और अभी तक जो मेरी यू नो इंटरेक्शन हुई है सेनेटर ओन अब्बास साहब के साथ, इट इज़ ओवरवेलमिंग, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई फाइंड द मैन हु लिसन्स टू यू, आपकी सजेशंस को सुनते हैं वो, और जो मुल्क के लिए बेहतर है मेरिट की बेस पे ये उसको इम्पोज करवाते हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। बहुत सारी अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, और मैं जब कह रहा हूँ खुशखबरी तो यकीन जाने मान जाएं खुशखबरी है। उस दिन ही अनाउंस होगा, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, वो खुशखबरी क्या है, सेनेटर साहब खुद अनाउंस करेंगे, मामले खसूसी बरा ई कॉमर्स वज़ीर आज़म के। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आप और मैं जुड़े हुए हैं, हमने कुछ इकट्ठे सिखाने का और सीखने का अमल जो है वो 3 साल में किया, सीखना सीखो, फॉर्म फिल करें, CNIC डालें, आपको फ़ोन आएगा सरकार की तरफ से, वो आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ऐसे तो नहीं कोई आ सकता ना, जब हाई ऑफिशल्स आ रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट ऑफिशल्स आ रहे हैं और फिर प्लस प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी उन्हीं की तरफ से और आपको मदू किया जाएगा इस इवेंट पे 21 फरवरी 2022, जो कि अब से 2 हफ्ते बाद है। जहन में रहे कि अगर किसी भी वजह से आप फ़ोन कॉल नहीं आती आपको, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम था सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करवा के गवर्नमेंट तक देना। आपकी कोई एक नीचे कमेंटिंग में मैंने ग्रुप में डाला तो शुरू हो गया कि यार ये हमारी टैक्स इन्फो ले लेगा, उन केड़ा टैक्स इन्फो रह गया, उन रह की क्या साढ़े कोल, 1% 2% तो ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है इम्प्लीमेंट हुआ है। अब इम्प्लीमेंटेशन और टैक्सेशन से आगे बात चली गई है, अब इंशाल्लाह खुशखबरियों की बातें। आओगे तो खुद ही सुन लेना प्राइम मिनिस्टर से और ओन अब्बास साहब से, फिल द फॉर्म और इंशाल्लाह आपसे उस दिन मुलाकात होगी। मैं खुद भी एज अ पार्टिसिपेंट आ रहा हूँ, लेकिन मेरे जिम्मे इन्होंने जिम्मेदारी लगाई है कि आप उन लोगों को लेके आए जिनकी आपकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, इकोनॉमी में। मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, कम से कम मैंने तो यही बोल के आया हूँ, अभी फॉर्म से पता लग जाएगा। और आपकी तरह मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ, आपके साथ ही बैठूंगा, आपके साथ ही गपशप लगेगी और आपके साथ ही तस्वीरें खिंचाऊंगा, अगर उन्होंने फ़ोन अंदर लेके जाने दिया, नहीं तो बस ही बाहर निकल के फ़ोन तो तस्वीरें खिंचा लेंगे, एडी केडी को आफत है। मुलाकात आपसे लाजमी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।